से उठिए। क्या हुआ? Are you okay? मैं यहाँ पे। आप अपने हॉस्पिटल में है चेतन? लेकिन मैं तो अपनी भीड़ के पास गया था, अपने घर। देखा मैंने उसको,
मिस्टर चेतन, आप तो कह रहे थे कि आपकी बीवी मर चुकी है। मरी नहीं है वो, मर कैसे जाएगी? मैंने कहा था उसकी जान को खतरा है, तो छोड़कर नहीं जाएगी कभी, कभी नहीं जाएगी छोड़कर। लेकिन अब ठीक है, देखा मैंने उसको। आप कौन से दुनिया में रहते हैं मिस्टर चेतन? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आपकी कोई बीवी ही नहीं है? आप बार बार अपने आप को रणबीर कहते हैं, आप चेतन है, जबकि मुझे लगता है कि आपको सिंजोफेनिया है। इस बीमारी में लोग अपना अलग ही नाम, अलग ही पहचान, अपना अलग ही अस्तित्व बना लेते हैं, असल दुनिया में आना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग अपने ही लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी डॉक्टर, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ओके? साहिबा के पास जाना है मुझे, देखा मैंने उसको, बोलो मुझे ये क्यों बात कर रखा है, मेरी साहिबा के पास जाने दो मुझे, बोलो साहिबा के पास जाना, मुझे खोल दो। डॉक्टर, आई थिंक ये बहुत सीरियस केस है, अब आपको अपना ट्रीटमेंट और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। मुझे लगता है मिस्टर भाटिया आप सही कह, हमें कुछ और टेस्ट करने चाहिए। चलिए टेस्ट की तैयारी करते हैं, देखते हैं उसके बाद। पापा जी पता है मैंने रणबीर की आवाज सुनी, रणबीर बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे साहिबा साहिबा। हाँ, जल्दी वापस आ जाएंगे हमारे पास, सच्ची हम सबके पास। हाँ, हम सबके पास मम्मी। अब देखना बहुत जल्दी बेबे, आपके रणवीर बिल्कुल ठीक है, वो हमारे पास बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। बस बस मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। डेड बॉडी मिली है, लेकिन मेरा दिल जानता है दलजीत जी, वो रणवीर नहीं हो सकते। उस बॉडी का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा साहिबा जी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था साहिबा, लेकिन ये सच है, यही सच है कि रणवीर मर चुका है। साहिबा, तेरा पति, तेरे होने वाले बच्चे का बाप मर चुका है साहिबा, वो मर चुका है। ये बात सच्ची है, रणवीर नहीं रहा पुत्र, हमारे बेटे जैसा दिमाग नहीं रहा, जिंदा बच्चे। ती तूने जो कुछ भी सुना वो सिर्फ तेरा वहम था। जीजू अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब यही सच है कि रणवीर मर चुका है साहिबा, मर चुका है साहिबा, रणवीर नहीं रहा साहिबा, बेटे जैसा।
जैसा दबा, बेटे जैसा दबा, बेटे जैसा दबा। साहिबा, ये तूने जो कुछ भी सुना, सिर्फ तेरा वहम था, जो अब कभी लौट कर नहीं, कभी वापस नहीं आएंगे, तेरे होने वाले बच्चे का मर चुका है साहिबा, अगर ये बात आज मैं तुझसे कहूँ तो, अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, तब नाम है उनका। माएं कैसी होती हैं? एकदम वैसी है, प्यारी सी। पापा जी करनैल से थोड़े से अजीब हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जानता हूं। देखो जीते, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ और हमारी मदद करो। हम लोग तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम चेतन हो, चेतन। और ये जो तुमने तुम्हारी सपनों की दुनिया बनाई है ना, जिस पे साहिबा है तुम्हारी बीवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है उसे। मेरे बच्चे की मां, हम भी यहां बहुत पसंद है उसे। आइसक्रीम भी खाती है। बड़े चाव से खाती है। जब भी करीब आते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं थोड़ा सा। पता नहीं क्यों किस्मत हमें फिर अलग कर देती है। हर सुबह उसकी मासूम सूरत देखकर उठना अच्छा लगता है मुझे, एकदम परी जैसी लगती है। ट्रैक्टर चलाती है। ट्रैक्टर क्यों चलाया बिना पूछे? तेरा ट्रैक्टर किसने चलाया? मैंने अपने होने वाले का ट्रैक्टर चलाया। अगर मेरा बेटा हुआ ना तो ऐसे ही होगा शैतान। नहीं जानता था मैं कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। उस दिन जब उसे तलाक के कागज दिए, ये क्या है? तलाक के कागज, तलाक के कागज। उसने कहा था मुझसे। आपने एक बार मुझसे पूछा था? मैंने नहीं पूछा, शायद खुद पर भरोसा नहीं था मुझे अपने प्यार पर। लेकिन अब एक खूबसूरत दुनिया बनाना चाहता हूं साहिबा के साथ। साहिबा, मैं और मेरा बच्चा। झगड़ा किया था इसीलिए ना मैं आपसे कभी नहीं झगड़ूंगी।
कभी नहीं झगड़ूंगी। प्लीज एक बार मेरा नाम बुला लो, एक बार जवाब दे दो कि आप यही हो। आप मुझसे गुस्सा थे ना कि मैंने आपकी दी हुई चूड़ियां नहीं पहनी, तो ये देखिए मैंने सारी चूड़ियां पहन ली। प्लीज आप तो आ जाइए, प्लीज बोलिए ना कि आप मेरे आसपास से हो। मेरे लिए नहीं आना ना, तो मत आओ, अपने बच्चे के लिए तो आ जाओ। प्लीज रणवीर देखो, मुझे मुझे चोट लग गई, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। प्लीज आ जाओ ना। ये अनिरुद्ध का घर है। कौन है ये? यहाँ क्या कर रही है? मुझे बलराज है ना, बलराज ये बड़ा रंगीला है ना, और ये दो कुड़िया भी कितनी सोनी है। पर ये दूसरी कुड़ी है कौन, वो किस नाते इस घर आई है? सवाल जितने सीधे हैं, जवाब उतने ही उनसे। ये जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं, तुम्हें पता भी है वो क्या करने वाले? नहीं जी, पर पता लग जाएगा, आज ही से तो शुरू हो रहा है ना बदलते रिश्तों की दास्तान। रोज सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ जी टीवी पर। अगर मुझे चोट आएगी ना तो वो वापस आ जाएंगे। साहिबा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपने बच्चे के बारे में सोचो। आपको चोट लगी तो उसे भी चोट लग सकती है ना। साहिबा जी आपको स्ट्रांग होना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, आपकी फैमिली को आपकी बहुत जरूरत है। और रणवीर वो जहां कहीं भी होगा वो आपको देख रहा होगा ना, उस बेचारे के दिल पे क्या बीत रही होगी। आपको इस हाल में देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो बहुत परेशान हो रहा होगा, है ना। प्लीज चुप हो जाइए। प्लीज चुप हो जाओ, संभाल लेती हूँ। क्या हुआ, अचानक रोने क्यों लगी? साहिबा मेरे लिए रो रही है, ये उसके आंसू जो मेरी आंख से बह रहे। मेरे बिना बहुत अकेले पड़ जाएगी, वो बहुत कुछ सह रही है। मैं ही हूं जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता। प्लीज प्लीज जाने दीजिए उसके पास। Say.